बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिविक्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आज जो है टॉपिक है तहरीक अलीगढ़। तहरीक अलीगढ़ के बारे में जो है मुख्तसर सवालात हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इनमें पहला सवाल है, सैयद अहमद खान की दो किताबों के नाम लिखें। आप उनमें जो है खुतबात अहमदिया भी लिख सकते हैं, उसके अलावा जो है रसाला असबाब बगावत हिंद लिख सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर दो है, साइंटिफिक सोसाइटी में जो है सैयद अहमद खान की खिदमात मुख्तसर बयान करें, यानी सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में जो भी किया, उनकी जो भी खिदमात थी, आप उनको मुख्तसर जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है, सैयद अहमद खान की दो सियासी खिदमात, यानी कि सियासत में जो है उन्होंने जो है वो सियासत के लिए क्या काम किया, मुसलमानों के लिए बरसगीर में सियासी लिहाज से उन्होंने क्या खिदमत सर अंजाम दी, उसके बारे में आप दो पॉइंट्स लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है, सैयद अहमद खान की दो मजहबी खिदमत, यानी उन्होंने मजहब को लेके जो है वो क्या काम किया और मजहबी लिहाज से जो है जो खिदमत सर अंजाम दी, वो आप जो है मुख्तसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है, तहरीक अलीगढ़ के दो अहम रहनुमाओं के नाम लिखिए। जो है इसमें आप जो है सैयद अहमद खान का नाम लिख सकते हैं, उसके बाद जो है वो शिबली नुमानी का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम की गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन है, तहरीक अलीगढ़ के कायद कौन थे। ये सारे मुख्तसर सवालात हैं जो कि आपने अच्छे से करने